Hey guys, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. So now let's get started. आज हम जिस एरिया को कवर करने वाले हैं वो है अपर एंड मिडल बैक. इससे पिछली वीडियो में हमने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. इससे पिछली वीडियो में हमने लोअर बैक और लोअर बैक प्रॉपर मिडल लोअर बैक एंड साइड लोअर बैक को कवर किया था. तो इस वीडियो में हम अपर बैक और मिडल बैक को कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से. सो फॉर वार्म अप मूव योर एल्बो लाइक दिस. ब्रीद इन, टेक एल्बो अप ब्रीद आउट डाउन. डू इट 5 times देन रिवर्स सेम 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ टेक हैंड्स डाउन. नाउ ब्रीद इन सेंटर ब्रीद आउट साइड. ब्रीद इन सेंटर ब्रीद आउट साइड. यू विल डू इट 10 times. दैट्स ऑल फॉर वार्म अप. इतना लाइट सा वार्म अप आप कर सकते हो. एंड नाउ विल मूव टू एग्जैक्ट स्ट्रेचिंग. सो फर्स्ट विल कम इन कैट काउ पोजिशन. कम इन दिस पोजिशन. योर हैंड शुड बी बिलो योर शोल्डर एंड योर थाई शुड बी इन वन लाइन. सी यू डोंट मेक इट लाइक दिस एंड डोंट टेक इट लाइक दिस. कीप योर थाइज इन वन लाइन एंड योर हैंड शुड बी बिलो योर शोल्डर. नाउ लुक स्ट्रेट. ब्रीद इन, टेक अ नेक अप, टेक योर लोअर बैक डाउन, ब्रीद आउट, take a lower back up and neck down. Now again breathe in, lower back down, neck up, breathe out, lower back up, neck down. Do it 5 times. 3 up, breathe out, down. 4 up, down. 5, breathe in up. यहाँ पे आपके लोअर बैक में कर्व बनना चाहिए तब आपकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर लोअर बैक और अपर बैक पे आने वाली. ब्रीद आउट, डाउन. सो नाउ नेक्स्ट इन, कम इन सेंटर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. कम इन कैट कॉ पोजीशन. नाउ ब्रीद इन, टेक अ राइट हैंड अप, ब्रीद आउट, टेक अ राइट हैंड टू लेफ्ट साइड, टेक अ हेड डाउन. नाउ इन दिस पोजिशन डू ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 times. 5 breathing यू फील स्ट्रेचिंग. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेचिंग कौन सा एंगल पे आ रही है. अपर और मिडल दोनों बैक पे आएगा. बट ये ध्यान रखना है जो आपका लेफ्ट हैंड है ये नीचे नहीं होना चाहिए. आपकी लेफ्ट एल्बो डाउन नहीं होनी चाहिए. कीप इट आउट, इससे एंगल बनेगा. अगर आप ये पोस्चर खराब कर लोगे तो इतनी अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं आएगी. सो अगेन आप रिपीट सेम थिंग विद द ऑपोजिट साइड एंड आप इसे करोगे 3 each side. ब्रीदिंग आप इंक्रीज कर सकते हो लाइक 5, 6, 7. सेम विद द ऑपोजिट. यू विल डू कोबरा. थर्ड वन कोबरा स्ट्रेच. लाई डाउन ओवर योर बेली लाइक दिस. नाउ योर हैंड शुड बी बिसाइड योर चेस्ट. नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप. इस लेवल तक आपको ऊपर उठाना है कि आपकी नाभि हवा में हो. आर्म्स बैंड हो, ये बाहर की तरफ नहीं होंगे. कीप इट इन द इनसाइड. योर शोल्डर शुड बी रिलैक्स. लुक अप. नाउ ब्रीद इन ब्रीद आउट. मैक्सिमम ब्रीदिंग देनी है इस पोजिशन में. इसमें ये है कि आपके शोल्डर पर भी आने वाली स्ट्रेचिंग, तो ये आपकी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज़ होने वाला है. सो डू मैक्सिमम ब्रीदिंग दिस पोजिशन एंड टेक योर हेड डाउन, चेन डाउन. रिलैक्स फॉर 5 seconds. अगेन लिफ्ट योर सेल्फ अप. कीप योर शोल्डर रिलैक्स. बेंड योर एल्बो. ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 times. देन डाउन. रिपीट इट 10 times. नाउ क्रॉस योर हैंड्स. टेक योर हेड डाउन. स्टे हियर फॉर 30 seconds. आफ्टर दैट कम अप. आप 3 simple से स्ट्रेचिंग खुद को दे देते हो. फर्स्ट एंड सेकंड बहुत आराम से आप कर सकते हो. थर्ड वाली में हो सकता है आपको इशू हो. हर एक एज का इंसान इसको नहीं कर पाएगा. इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप ब्रीदिंग 1, 2, 3 ऐसे शुरू करना. उसके बाद जैसे जैसे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आप इसको थोड़ा और लेके जा सकते हो. लाइक 10 breathing तक आप लेके जा सकते हो. बट इम्पोर्टेंट ये है, ये नहीं है कि आप क्या नहीं कर रहे. इम्पोर्टेंट ये कि आप कितने रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो. आपको रेगुलर रहना है और कंसिस्टेंट रहना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए. क्योंकि हीलिंग बाहर से नहीं होती है. अगर आप अंदर से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी नहीं रखोगे तो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलने वाली है. सो थोड़ा सा पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा. पेन हो रही है उसमें अगर आप ये फील करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, जस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे. लेकिन अगर आपके अंदर ये थोड़ा सा नेगेटिविटी होगी कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, इससे तो और पेन हो रही है, कहीं और इशू ना इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है.
जिस चीज़ में आप क्लियर आराम से कर सकते हो। बट एक चीज़ मैंने पहले बोली, अगर आपने डॉक्टर अगर डॉक्टर ने किसी भी मूवमेंट को करने से मना किया है, अगर आप वो वाली मूवमेंट कर रहे हो तो आपको इशू आएंगे। तो आपको खुद ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ आपके लिए, अगर आप इसको डेली करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन जो साइड में है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।